प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। आज की जो मेरी प्यारी सी गेस्ट हैं, बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं, वो सिर्फ दिखने में प्यारी नहीं है, वो सीरत की भी बहुत प्यारी है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सूरत तो अल्लाह ताला आपको देता है और हर शक्ल प्यारी होती है अपने तरीके से, लेकिन सीरत आपके पास होती है कि आपने सीरत को कैसे लेकर चलना है। और इनके बारे में सब कहते हैं कि ये बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे मिजाज की हैं। अब उस मिजाज के पीछे क्या सीक्रेट है, किस तरह ये रखती हैं, और ये रिसेंटली उम्रे पर गई हैं, तो इनसे वो बातें भी पूछेंगे। लाइवा, सबसे ज़्यादा मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये उम्रा प्लान कैसे हुआ? ये लोगों के बड़े डिफरेंट स्टोरीज होती हैं। वर यू प्लानिंग कि मुझे उम्रे पे जाना है? मैंने इंस्टाग्राम पे कैप्शन पढ़ा कि बचपन का मेरा ये ख्वाब था। बताती हूँ आपको, ये बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। सो जब मैं कुरान पाक हिफ्ज कर रही थी बचपन में, तो मैं जब कुरान पाक हिफ्ज कर रही थी तो मैं उस चीज़ में इतनी ज़्यादा हो गई थी इन्वॉल्व कि मुझे ख्वाब में ऐसे ख्वाब आते थे कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ और मैं उम्रे पे जा रही हूँ। फिर मुझे ऐसे ख्वाब आते थे कि मैंने खाने काबा को देखा। एक दफ़ा मुझे ऐसा ख्वाब आया कि मैंने हजूर पाक को ख्वाब में देखा है। जब मैं उठी तो मुझे वो फीलिंग थी कि मैंने जैसे उन्हें देखा। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, 6-7, 8-9 साल की थी, ये एज थी। और उस वक्त हिफ्ज कर रही थी? उस वक्त हिफ्ज कर रही थी, सुभान अल्लाह। 10 साल की थी तो मेरा हिफ्ज कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह। तो इस तरह से ये चीज़ बचपन से था कि जाना है। फिर मेरे दादा हज पे गए, हमारे खानदान में पहली दफ़ा वो हज पे गए, तो बस मुझे शौक था कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। खैर वो फिर चीज़ हो ही नहीं सकी। अभी 2022 में, पिछले साल ही, हाँ जी, दिसंबर में मैं गई। सो हुआ है कि मैं गई भी थी एक ट्रिप पे ऑलरेडी, और मैं वहाँ से आई तो एकदम से मुझे ना दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि यार उम्रे पे जाना है। और मैंने अम्मी को कहा मुझे उम्रे पे जाना है, मुझे नहीं पता। तो अम्मी ने कहा ठीक है, सही है, करते हैं कुछ प्लान, मतलब एक बात हुई है तो चलो ठीक है प्लान करते हैं। अब वो अल्लाह की तरफ से वो 4 महीने जो थे अगस्त से लेके नवंबर तक, वो इस तरह से चीज़ें हुई, कुछ समझ ही नहीं आया कैसे कॉल पर सब चीज़ें हो गई कि भाई हमारे ट्रैवल एजेंट हैं तो हारिस भाई आप टिकट्स बुक करा देना, हारिस भाई ये कर देना, वो कर देना, और वो चीज़ें होती चली गई। इतना स्मूथली हुआ, तो बुलावा था ना, वो बुलावा तो था, कंटिन्यूसली चीज़ें होती रहती हैं ऑटोमेटिकली, आपको समझ। कल अम्मी मुझे कहती हैं सुनो उम्रा करके आ गए, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह के घर को देख लिया। अच्छा मुझे बताओ वो कैफियत क्या थी व्हेन यू वर ट्रैवलिंग, पहले तो फ्लाइट में, पहले मदीना गई, मक्का गई? नहीं, मैं सीधा मक्का गई। उम्रे की नियत करके। कौन कौन था साथ में? मेरी अम्मी, छोटी बहन और मेरी नानो। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा ये भी तो बहुत बड़ी बात हुई है ना कि खवातीन को जो अकेले इजाजत दे दी गई। मैं इतनी औरतों को जानती हूँ जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई, बेटा नहीं था और वो परेशान होती थी क्या करें। और वैसे भी अगर माँ बेटी का जाने का दिल कर रहा है, हाँ, जो आदमी जॉब्स पे होते हैं कंटिन्यूअसली, उनके लिए मुश्किल भी बहुत होता है, तो वो एक चीज मिस होती थी। सबा फैसला मुश्किल नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं गई, मेरी बहन गई और उनकी सीमी पाशा, उनकी दोस्त ने कह रही हम तीनों होकर आए। तो आप, आपकी छोटी बहन, छोटी बहन, अम्मी और नानो, और नानो व्हील चेयर पे थी, सो मैंने और अम्मी ने उनका पूरा उम्रा कराया और वो इतना स्मूथली सब कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। और इतना सुकून था जब, अच्छा मेरी खाला ऑलरेडी वहाँ पे थी ना कुछ 4-5 दिन पहले, वो अपने बच्चों अच्छा, के साथ गई थी, ठीक है, तो उन्होंने उम्रा कर लिया था। अब जब हम वहाँ पहुँचे हरम में, तो अंदर जब जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि आप ना कोशिश करो अंदर जाने तक, खाना काबा को देखने तक का जो सफ़र है ना, आपके कुछ कदम है आंखें नीचे करके जाओ, क्योंकि जो पहली नज़र पड़ती है ना उसमें जो दुआ मांगो वो कबूल हो जाती है। यशवा ने यही हमें स्टोरी सुनाई, मुझे गूज़बम्स आ गए थे। तो अच्छा फिर क्या, अच्छा हुआ? हम अब जा रहे हैं अंदर हरम के अंदर, एंटर हो गए दरवाजे से और नज़रें नीचे हैं, और इतना खूबसूरत है वो मोमेंट, जैसे ही आंखें उठा के देखा तो खाने काबा, और आप सोच नहीं सकती कि आंखों से, और मैं भूल गई कि मुझे दुआ करनी है, मैं भूल गई कि मुझे अल्लाह का नाम लेना, और मैं यूँ देख रही थी और मैं शॉक थी। मैं जो चीज़ ख्वाबों में देखी, जो पिक्चर्स में देखी, टीवी में देखी, वो चीज़ सामने थी मेरे, और अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत मोमेंट था। डॉक्टर बिल्कीस यहाँ पर आ गई है, कल हम भी यही बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि आप यहाँ खड़ी हैं तो मैंने कहा आप इस जिक्र में शामिल होना आपका बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताइए डॉक्टर बिल्कीस, आपने जो मुझे कल कहानी सुनाई, डॉक्टर बिल्कीस ने कहा कि वो अब अपने अल्फाज में सुनाएं, आप गई उम्रे के लिए और आप अकेली गई। हाँ असल में मैं हमेशा अल्लाह गफूर रहीम से दुआ करती थी, या अल्लाह मैं तेरा आपका दर देखूँ ना तो मैं हूँ और आप हो। तो बस मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ गई। अच्छा वहाँ पर इतना रश, हम 21 को हमारा उम्रा था पहला, 21 रमज़ान, पिछले रमज़ान जी, इतना रश था कि दोनों जो है ना बिछड़ गए। अच्छा और मैं जाती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, काबा को देखती जा रही हूँ, और मैंने पहले तो उनको ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिले। फिर मैं आगे जाती गई, काबे पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा अल्लाह तेरा किस किस किन किन चीज़ों का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि मैंने ये कहा था मुझे आपका दर
अकेले देखना है। मेरा हमेशा से ये ईमान था कि हम अकेले आए, अकेले खबर में जाएंगे तो अल्लाह का घर क्यों नहीं देख सकते। बस मैं जब अल्लाह गफूर रहीम के घर को देख रही थी, मैं रोए जा रही थी और मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी। मैं बता नहीं सकती, मेरे साथ एक नहीं दो तीन वाकया जी जी जी। और क्या हुआ आगे? ऐसा हुआ कि 21 को तो मैंने अपना उम्रा किया, 23 की शब को मैं अपनी वालदा का उम्रा कर रही थी। तो आप लोग सब जानते हैं कि नमाज जनाजा हर उसके बाद होता है, हर नमाज के बाद होता है। तो हम मगरिब के बाद अपना उम्रा शुरू करते थे, तो मगरिब में नमाज जनाजा मैं हमेशा पढ़ती थी। 23 को मैंने नमाज जनाजा के लिए मैं खड़ी नहीं हुई। मेरा दिल चाह के हतीम के पास जाके मैं एक ना जो है मैं नफल का पढ़ लूँ। आप लोग सब जानते हैं कि कितना रश होता है। नहीं तो बिल्कुल, और बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदम उठते गए उठते गए। और आप लोग को ये भी पता है कि खवातीन को आगे आने नहीं देते, पाँव पे भी कुछ ऐसे लोग होते जो पाँव पे बहुत बुरी तरह मारते कि उनके सजदे के आगे अगर खातून का पाँव भी पड़ जाए तो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उड़ती हुई वहाँ पहुँच गई। अच्छा, फिर वहाँ एक बच्चा जो है ना नमाज पढ़ रहा था, तो मैंने इससे कहा कि बेटे तुम्हारा अगर हो जाए तो क्या तुम मुझे जगह दोगे, थोड़ा सा घेर लेना ताकि मैं पढ़ लूँ। तो मुझे नहीं पता था, उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा जी जी मैंने नफल पढ़ लिया, आप जो है ना आ जाए खड़ी हो जाए। मैंने नियत बांधी तो वहाँ के सफाई के लिए शुरदों ने आके सबको हटा दिया, मैं मेरा रब काबा। और मैंने वहाँ जब लवली फीलिंग मेरा सजदा किया, जब मैं उठी तो मैंने इधर देखा कोई भी नहीं था। और सब मुझे कह रहे थे बहुत मुबारक हो आपको। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। जब मैंने सलाम फेरा तो मैंने देखा कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा लमिया मुझे ऐसा लगा अल्लाह ताला मैं कहाँ हूँ। खैर मैंने मतलब कि मैं दुआ पढ़ रही थी और मैं कांप रही थी, और वहाँ पे पाकिस्तानी उन्होंने मेरी पिक्चर्स निकाल ली, फिर उन्होंने मेरे सोशल मीडिया पे भेजा, फिर वहाँ जो पहचान गए होंगे। और वो हाँ। आपके लिए कैसा मोमेंट, यानी किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया लेकिन कितना प्यारा मोमेंट माशाल्लाह। अगर आप एक कलाम पढ़ दें बिस्मिल्लाह, और सबके जज्बात भी ऐसे हुए मैं इस वक्त, तो क्या बात है।